पैकेज टू का ये वो छुपा हुआ फ्लाइवर है जिसको अभी तक आपने देखा ही नहीं है। अगर आप रेसिडेंट हैं द्वारका के, या आप द्वारका एक्सप्रेसवे के सरफेस रोड से आ रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे, और अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं और आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो फ्लाइवर है ये आपको हेल्प करेगा। और इसी तरीके से द्वारका के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो फ्यूचर में ये सेक्टर 21 वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से कम कम्यूट करेंगे, वो एक्चुअल में जो कम्यूट करेंगे वो सेक्टर 22 और 23 से फ्यूचर में कम्यूट करना शुरू करेंगे। जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो सेक्टर 22 और 23 के तरफ से वो कम्यूट करना शुरू करेंगे। ये जो पूरा द्वारका आप देख रहे हैं या आप साउथ वेस्ट दिल्ली का जो ये ट्रैफिक देख रहे हैं, अगर सरफेस रोड लेकर भड़तल चौक की तरफ आते हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है और आपको टनल के थ्रू जाना है या वसंत कुंज की तरफ जाना है फ्यूचर में या गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप फिर इसी फ्लाईओवर का यूज करेंगे। ये कौन सा फ्लाईओवर है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि मैं वीडियो कहाँ से शुरू करूंगा। ये IICC है सेक्टर 25 द्वारका का, पैकेज टू में द्वारका एक्सप्रेसवे के, ये सेक्टर 26 है, ये पूरा भड़तल गांव है। देखिए यहाँ पे जो राउंड अबाउट है ये भड़तल चौक है, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 23 है द्वारका का, ये सेक्टर 22 है द्वारका का, यहाँ पे बस डिपो है, और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो सेक्टर 21 का पहले रेड लाइट हुआ करता, ट्रैफिक सिग्नल हुआ करता था, और यहाँ पे काफी लंबा जैम भी हुआ करता था पीक आवर्स में, चाहे आप ऑफिस से घर जा रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, तो दोनों ही टाइम आप ट्रैफिक जाम में यहाँ पे फंसा करते थे। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ना तो आप इस सेक्शन में ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, ना ही आप शिव मूर्ति के तरफ में ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। तो गुड़गांव से अगर आप द्वारका की तरफ आना चाहते हैं या द्वारका की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कम्यूट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले सेक्शन में रहते हैं और वहाँ से आप कम्यूट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी कम्यूट जो है गुड़गांव की तरफ जाना या धौलाकुआं की तरफ जाना वो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को मैं इस जगह से शुरू करूंगा, ये भड़तल चौक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। यहां पे पहले मैं एक सर्कल लूंगा, ये राउंड अबाउट से पूरा सर्कल लेने के बाद मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं मैं इसके नीचे, ये वाला जो आप लेन देख रहे हैं ना ग्रीन वाला, ये देखिए ये जो आप लेन देख रहे हैं, मैं इसके नीचे अंदर जाऊंगा यहां से, और अंदर जाने के बाद मैं यहां से पैकेज टू से पैकेज वन की तरफ मूव करूंगा। तब जब यहां से मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये जिगजैग सा जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे रैंप आ जाता है, और फ्लाईओवर के नीचे से मैं इस रैंप के ऊपर चढ़ूंगा, ये वाले रैंप के ऊपर चढ़ूंगा, और यहाँ से मेन फ्लाईओवर पे आऊँगा। फ्लाईओवर पे आने के बाद ये जो ऑरेंज और ब्लू वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, ये ब्लू वाला सेक्शन और ये ऑरेंज वाला सेक्शन, इस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ूंगा, यहाँ से सेक्टर 21 का जो पहले ट्रैफिक सिग्नल हुआ करता था उसके ऊपर से फ्लाईओवर से क्रॉस करूँगा, और क्रॉस करने के बाद इस पूरे हिस्से को क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊंगा। जब मैं यहां से आगे की तरफ जाऊंगा तो ये फिर से रैंप आ जाएगा, और रैंप से मैं नीचे उतरूंगा। नीचे उतरने के बाद ये जो सेक्शन है इस सेक्शन का भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा। यहीं से नीचे उतरने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पैकेज टू से जो 8 बॉक्सेस का अंडरपास है पैकेज वन में उसको क्रॉस करेंगे, यानी ये जो रेलवे ट्रैक है इसके पास जो अंडरपास है इसको क्रॉस करने के बाद आप सीधा टनल में जा सकते हैं, या टनल की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आप टनल से ऊपर आकर यहां से इन रैंप्स में जा सकते हैं। तो यहां पे एक और भी फ्लाईओवर है, दो फ्लाईओवर है, एक तो ये फ्लाईओवर हो गया और दूसरा फ्लाईओवर ये हुआ। अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 की तरफ मुड़ना है तो आप इस फ्लाईओवर से आएंगे, यहां नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद यहां से सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास आप जा सकते हैं। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसके ऊपर से मैं क्रॉस करूंगा, और ये जो फ्लाईओवर है इसका क्या स्पीड लिमिट होगा, कितना काम हो गया है, क्या एक्सपेंशन जॉइंट का काम बचा हुआ है, कितना काम ब्लैक टॉप का बचा हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, लिंक पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दो ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप वन का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप टू ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप वन कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप टू को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप वन के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप टू ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट दो बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी
जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो इंटरसेक्शन है जो अभी तक आपने नहीं देखा है। ये वाला जो फ्लाईओवर है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ये भरतल चौक की तरफ से, अगर आप सेक्टर 21 का जो रेड लाइट हुआ करता था पहले, जो सेक्टर 21 का इंटरसेक्शन हुआ करता था, अगर आपको उसको क्रॉस करना है और आपको सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, किस फ्लाईओवर को लेंगे, क्या उस फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया जो जिसका मैंने आपको टाइमलाइन पिछले वीडियोज में बताया था, तो इस फ्लाईओवर के ऊपर पूरा ड्राइव करूंगा और क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ देखेंगे। क्या स्पीड लिमिट होगा, कितने लेन्स का है, ये सारा कुछ देखेंगे इस फ्लाईओवर में। और यहां से मैं भरतल चौक की तरफ से ड्राइव करता हुआ आपको सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ लेकर चलूंगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस समय जो आपको सामने दिख रहा है ये भरतल चौक है। इस पॉइंट में अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊंगा आगे, तो मैं गुड़गांव की तरफ चले जाऊंगा और पहले मैं भरतल चौक से यहाँ पे पूरा सर्कल एक राउंड अबाउट लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 26 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यशो भूमि है सेक्टर 25 द्वारका में, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ से आप UER 2 की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड की तरफ आप जाते हैं तो आपको ऊपर में 2 बटरफ्लाई लूप मिलेगा और सेक्टर 22-23 का जो रेड लाइट है द्वारका में, आप वहाँ पे चले जाएंगे। ये जो ब्लू आपको बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं, इसी के अंदर बटरफ्लाई लूप है। ये वो बटरफ्लाई लूप है लेफ्ट हैंड साइड वाला। इससे अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप इस बटरफ्लाई लूप से जा सकते हैं। अब यहाँ सामने मैंने टर्न ले लिया है। टर्न लेने के बाद यहाँ पे जो आपको ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इसके पीछे बस डिपो है और यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन आ जाता है सेक्टर 21 का, आगे से लेफ्ट लेने के बाद। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बटरफ्लाई लूप है। मैं आपको इन दोनों के बीच से, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन कैरिजवे है, उसके साथ वाला है ये अलाइनमेंट। जब आप बटरफ्लाई लूप से बाहर निकलते हैं, एक बटरफ्लाई लूप में जाने का, एक बटरफ्लाई लूप में आने का है, बट मैं इन दोनों में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम जो चलेंगे वो सेक्टर 21 का जो पहले रेड लाइट हुआ करता था, मैंने आपको बताया था कि अब उसको स्किप करके, अगर कोई UER 2 से आ रहा है या सेक्टर 22-23 से आ रहा है या भरतल चौक से आ रहा है, तो आप उसको स्किप करके आगे की तरफ जा सकते हैं। आपको रेड लाइट नहीं मिलेगा, ऐसे भी कोई रेड लाइट नहीं है, बट वो इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा। आप आगे से फ्लाईओवर लेते हुए जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बस डिपो है। तो आप कैसे जाएंगे यहाँ से, उस इंटरसेक्शन को क्रॉस करेंगे ऊपर से एलिवेटेड रास्ते से, वो रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्पीड होगा ये 40 km/h का स्पीड होगा यहाँ नीचे सरफेस में, और जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको रैंप मिलेगा और रैंप से आप एलिवेटेड रास्ते में चल सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये रैंप है, अगर आप UER 2 की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है, तो बटरफ्लाई लूप लेकर लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि ये वाला जो रैंप दिख रहा है, इससे आप सेक्टर 21 के इंटरसेक्शन से ठीक पहले उतर सकते हैं। उतरने के बाद आप लेफ्ट लेंगे तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैं रैंप से आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, रैंप का पूरा काम हो गया है। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लग गए हैं। मैं यहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ जरा। यहाँ पे कार रुकूंगा और यहाँ से आपको एक व्यू दे दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से मैं ड्राइव करता हुआ उस सेक्शन से आया, वहाँ पे भरतल चौक था। ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वो फ्लाईओवर है जो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ था पैकेज 2 में। इसके थ्रू आप ISCC की तरफ भी जा सकते हैं। आप यहाँ से
धुलसीरस चौक की तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ से आप यूआर टू की तरफ भी जा सकते हैं इस वाले फ्लाईओवर से। देखिए इसका जब रैंप बना था और जब ये पूरा ब्लैकटॉप हुआ था, स्ट्रीट लाइट्स लगे थे, तो वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। इसी फ्लाईओवर से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जाकर ऊपर से एलिवेटेड रास्ता आ जाता है भरतल चौक वाला, जो आपको यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं इस रास्ते से आया हूँ, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, अगर आप बटरफ्लाई लूप से घूमते हैं और आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, देखिए ये फ्लाईओवर, इससे आप सेक्टर 21 की तरफ जा सकते हैं। सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है ये सामने यहाँ पे है और यहाँ पे पैसिफिक मॉल भी है। ये पूरा मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 21 का। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो पूरा रास्ता है, ये आगे वाला जो इंटरसेक्शन है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक इससे पहले आपको यहाँ पे ये उतार देगा और यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेकर सेक्टर 21 की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे इस वाले फ्लाईओवर में क्या क्या काम हो गया वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरा फ्लाईओवर ब्लैकटॉप हो गया है। ये ब्लैकटॉप देखकर आप ये मत बोलिए कि ब्लैकटॉप अच्छा नहीं है, ये सब नहीं है, ब्लैकटॉप ठीक है। इसके ऊपर अभी और लेयर जोन है। नीचे ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है। जो आगे बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए उसमें हॉर्टिकल्चर का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे भी लग गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ से आगे में भी लग गए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स अभी इस पोर्शन में अभी लगने बाकी है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं और ये वाला फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट लगना बाकी है। आगे वहाँ पे जो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। इस वाले फ्लाईओवर में अभी पूरा एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हुआ है। जिस फ्लाईओवर पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम लगभग आज से 10 से 15 दिन पहले हो चुका था, यानी 2 हफ्ते पहले हो चुका था। ये जो दो पिलर्स दिख रहे हैं, पहले पिलर में जो फ्लाईओवर है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जा रहे होंगे या शिवमूर्ति की तरफ जा रहे होंगे तो आप इस पिलर के ऊपर जो फ्लाईओवर है उससे जाएंगे। बीच में जो फ्लाईओवर है, अगर आप शिवमूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेस वे के गुड़गांव वाले सेक्शन में जाना है तो आप बीच वाले पिलर से जाएंगे। और जो एक्सट्रीम एंड में पिलर आपको दिख रहा है, उस पिलर से अगर आप जाते हैं, उसके ऊपर जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर से अगर आप जाते हैं तो सेक्टर 26 का जो मेट्रो स्टेशन है आप वहां पे आ जाएंगे। मेट्रो स्टेशन भी मैं आपको दिखा दूं, यहां से गाड़ियां कुछ पार्क्ड है इस पॉइंट पे, देखिएगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये जो पेड़ है ना, इसके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखिएगा आपको कार्स दिखेंगी, यहां पे ये देखिए गाड़ियां पार्क्ड है। ये सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन यानी आईआईसीसी का मेट्रो स्टेशन भरतल गांव में है। ये पूरा जो है ये भरतल गांव है, सेक्टर 26 है लेकिन मेट्रो स्टेशन के ऊपर सेक्टर 25 लिखा है यहां पर, तो आप वहाँ पे उतर जाएंगे अगर आप आखिरी वाले से जाते हैं तो। ये डायरेक्शन बोर्ड है यहाँ पे, यहाँ पे भी नीचे अगर आप देखें तो हॉर्टिकल्चर का पूरा काम हो गया है, स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी फंक्शनल है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर जाता हूँ प्लेन टेक ऑफ करते हुए, बताइएगा कौन सा प्लेन है। और जिन लोगों को तकलीफ है मेरे प्लेन को रिकॉर्ड करने से, वो तकलीफ में ही रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, अभी यहाँ पे इसको कॉन्क्रीट करना बचा हुआ है, वो कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट जो है ना वो 10 दिन पहले हुआ है और ये कंप्लीट हो गया एक्सपेंशन जॉइंट बनकर। इस वाले फ्लाईओवर से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आगे आपको इंटरसेक्शन से आप लेफ्ट ले सकते हैं और लेफ्ट लेकर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में भी बताया था कि ये जो गाड़ियाँ अभी स्ट्रेट जा रही हैं, देखिए सीधा गाड़ी निकल गया, ये ट्रक भी देखिए स्ट्रेट जाकर आगे निकल जाएगा, फ्यूचर में ये यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे। अगर फ्यूचर में आपको स्ट्रेट जाना है तो आपको ये फ्लाईओवर ही लेना पड़ेगा। अगर आप इस फ्लाईओवर से या सरफेस रोड से जाएंगे तो आगे जाके लेफ्ट टर्न ही है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो काम हो गया वो दिखाता हूँ। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये दोनों फ्लाईओवर, इसका जो स्पीड लिमिट है वो 65 का स्पीड लिमिट है यहाँ पे। और एक और प्लेन टेक ऑफ करते हुए और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो फ्लाईओवर है ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, इस पे लिखा है ओनली फॉर ट्रायल नॉट फॉर पब्लिक यूज़। तो किसी भी फ्लाईओवर पे अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो वो अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, विदाउट परमिशन किसी भी फ्लाईओवर किसी भी अंडरपास में ना जाएं जब तक वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, परमिशन लेकर ही जाएं क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। सामने अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन बोर्ड भी दिख जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। सामने अगर आप देखें तो एक्सपेंशन जॉइंट इसको बना दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स लगे हैं इसमें अभी एलईडी बल्ब्स को नहीं लगाया गया और एलईडी बल्ब्स के जो होल्डर्स हैं उनको भी नहीं लगाया गया है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो सारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो फंक्शनल है, इस फ्लाईओवर में भी फंक्शनल और इसके बाद जितने फ्लाईओवर है उसमें भी फंक्शनल है वो स्ट्रीट लाइट्स। बट यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अभी पोल्स लगे हैं सिर्फ, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसका काम पूरा हो चुका है
यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग में कुछ कुछ जगह पे अभी कॉन्क्रीटिंग होना बचा हुआ है, ज्यादा पोर्शन नहीं है ये, आप मान कर चलिए कि और नेक्स्ट वन वीक में ये सब भी काम खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो फ्लाईओवर, इसमें 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। यहाँ पे और भी डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, इसमें ये दिखा रहा है कि आगे जाकर रोड मर्ज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ दिया गया है, क्योरिंग व्योरिंग भी कर दिया गया है। और ये जो रास्ता है, अगर आप बटरफ्लाई लूप की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन से आएंगे और दोनों रास्ता आपस में मर्ज हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है थोड़ा फिनिश दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता भी पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यू टर्न लेकर भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। देखिए ये दोनों रास्ता जो है ये आपस में यहाँ पे मर्ज हो रहा है, और आगे जो आपको यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम एंड में लॉन्चर दिख रहा है, उस लॉन्चर से बटरफ्लाई लूप को लगाया जा रहा है। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है सामने, और इस पॉइंट पे आप जो है सेक्टर 21 वाला जो स्ट्रीट लाइट है उसको क्रॉस करके लगभग 100 मीटर आगे पहुंच चुके हैं। और यहां से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सीधा यहां से इस सेक्टर 21 का जो अंडरपास आपको सामने दिख रहा है उसको क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद आप सीधा टनल में जा सकते हैं, और टनल के थ्रू आप एयरपोर्ट में जा सकते हैं या गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं टनल से, या वसंत कुंज की तरफ फ्यूचर में जा सकते हैं। वसंत कुंज वाले पे अभी कोई काम शुरू नहीं, वो डीपीआर स्टेज में ही है। जो टेंडर्स निकले थे वो टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया फिलहाल। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, ये स्पीड लिमिट है 65 किलोमीटर पर आवर का। जैसे आप इसको क्रॉस करके टनल के पास जाएंगे तो स्पीड लिमिट 100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीन लेन बने हुए हैं, थ्री लेन है, 1, 2 और 3। अब यहां से मैं आपको सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस करके आगे की तरफ ले जाऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, और आप जो दूसरा पोर्शन है इस फ्लाईओवर का आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए ये जो फ्लाईओवर है, ये दोनों फ्लाईओवर जो आपको दिख रहा है ये मेन कैरिजवे है। इसमें जो स्पीड होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, जिसमें अगर आप इस वाले पोर्शन से आ रहे हैं तो आप गुड़गांव की तरफ से पैकेज 3 की तरफ से पैकेज 2 में आ रहे होंगे, या पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ चले जाएंगे। और इस वाले सेक्शन से आप पैकेज 1 से पैकेज 2 में आकर यहां से स्ट्रेट जाएंगे तो पैकेज 3 में चले जाएंगे, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वहां चले जाएंगे। अभी जो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया जहां से मैं ड्राइव करता हुआ था वो ये वाला फ्लाईओवर था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।